this chapter industrialization, first of all, this chapter is based on two pictures. जैसे बच्चे आप इस चैप्टर को ओपन करते हो ना, अब जितना हो सके आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है एमसीक्यू बेस के लिए पिक्चर बेस फोर्स बेस क्वेश्चंस वी हैव टू प्रिपेयर साइड बाय साइड. द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लियर. और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है बेटा, टाइम पीरियड सब बच्चों को याद होना चाहिए. पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? 19th century. यानी कि, और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आई कहां पे थी, कौन से कॉन्टिनेंट? यूरोप. ठीक है, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना 19th century. तो जब मैं वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज फॉर द फ्रीक्वेंट ईयर्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 19th century में वर्ल्ड में, यूरोप के कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी सिटीज में बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हुई, और जिसके कारण मैनी पीपल दे माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज एंड दे गॉट एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 19th century में यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में इंडस्ट्रीज सेटअप होने से, फैक्ट्री सेटअप होने से प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है वो टोटली चेंज हो गया. तो दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट यूरोप, हाफ पार्ट इज ऑफ यूरोप एंड हाफ पार्ट इज ऑफ इंडिया. ठीक है, इस चैप्टर में बच्चे हमने हाफ पार्ट जो है दैट इज फ्रॉम यूरोप एंड हाफ पार्ट इज फ्रॉम इंडिया. जब हम यूरोप का पढ़ेंगे तो हमने पढ़ना है कि यूरोप 19th century से पहले और 19th century में क्या चेंजेस आए. ठीक है, जब हम यूरोप का पार्ट पढ़ेंगे तो हमने पढ़ना है कि 19th century से पहले यूरोप में क्या ट्रेंड था और 19th century के बाद यूरोप में क्या ट्रेंड हुआ. जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का जब हम पार्ट स्टडी करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे बिफोर कॉलोनियल और आफ्टर कॉलोनियल. यानी कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस है, और ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सेटअप की, इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन हुई, और इसका रिजल्ट इंडियंस के ऊपर क्या हुआ. जिस टाइम पीरियड में स्वदेशी आइटम्स हमारी कंट्री में बहुत फेमस हो रही थी तो उस टाइम पीरियड में फॉरन यानी कि फॉरन मार्केट हमारे कंट्री में आ रही, तो इसका लॉस किसको हुआ? ऑटोमेटिकली इंडियंस. तो दैट वी विल कवर. हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने टू पार्ट्स में हमने स्टडी करना है. फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम यूरोप एंड सेकंड पार्ट इज फ्रॉम इंडिया. जब हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप का टाइम पीरियड हमने पढ़ना है 19th century से पहले और 19th century के बाद. जब हम इंडिया का टाइम पीरियड डिवाइड करेंगे तो इंडिया के टाइम पीरियड में हमने पढ़ना है बिफोर कॉलोनियल टाइम पीरियड, यानी कि कॉलोनियल टाइम से पहले इंडिया की क्या सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो कहते हैं, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके आने से इंडियंस के ऊपर इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा. क्लियर, तो दिस इज आवर चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले जैसे ही आप ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हो, वन पिक्चर इज देयर एंड दिस पिक्चर, द हेडिंग ऑफ दिस पिक्चर इज डॉन ऑफ द सेंचुरी, DAWN, Dawn of the Century. ये पिक्चर जो थी वो 1900, सबसे पहले आपने ईयर याद करना है. ये पिक्चर जो थी एक मैगजीन में प्रिंट हुई 1900, टाइम पीरियड कौन सा था? 1900. ठीक है, अब इस पिक्चर की इलेबोरेशन मैंने आपको अभी बताया कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं बेटा वो सोर्स बेस, इसमें क्या होता है आपको कोई भी पिक्चर दी गई होगी और उस पिक्चर से रिलेटेड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. Like first picture in your book, that is the, you can say uska jo heading hai, that is Dawn of the Century, you have to write the heading DAWN, Dawn of the Century. Century ki starting, matlab time period jo hai, kaun se time period mein ye picture jo hai, 1900. Iska matlab kya hai ki 1900 ka time period, 1900 tak, is picture mein jo jo bhi symbols dikhaye gaye hain, humne un symbols ko just पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या. ठीक है, एंड दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाय ई टी पॉल. ठीक है,
एंड इन्होंने ये जो पिक्चर थी, एक बुक थी जिसे हम कहते हैं ना कि एक बुक है, उस बुक का हेडिंग जो था, ठीक है, उसका हेडिंग जो था डॉन ऑफ द सेंचुरी एंड दिस प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जिन्होंने ये बुक निकाली थी, पब्लिशर कौन थे, उनका नाम क्या था, ई टी पॉल। तो ईयर आपने याद रखना है 1900, म्यूजिक पब्लिशर, इनको म्यूजिक की बहुत नॉलेज थी, और एक बुक उन्होंने प्रिंट की थी, उसका नाम क्या था, डॉन ऑफ द सेंचुरी, DAWN, डॉन ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है, 100 ईयर्स, क्रिकेट में सेंचुरी आप कहते हो 100, ठीक है, 100 रन्स, लेकिन सेंचुरी बात करते हैं 100 ईयर्स। पेंटिंग का नाम नहीं था, बुक का नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद कवरेज, कवरेज का मतलब होता है कवर, यस बच्चे, दिस वॉज द कवर, कवर ऑफ द बुक, ये बुक का कवर था, ठीक है, और ये उस टाइम पीरियड में बहुत फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ, क्योंकि इसमें, इस पिक्चर में कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल जो है वो गुड्स की पिक्चर थी जो उस टाइम पीरियड में बहुत फेमस हुई। कौन कौन सी इंडस्ट्रियल गुड्स इसमें दिखाई गई हैं, जिसका ये मतलब है कि उस टाइम तक के लोगों को इस चीज की नॉलेज हो गई थी। ऑटोमेटिकली जब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पिक्चर देखते हैं, उसमें जो भी सिंबल्स होते हैं, तो हम उन सिंबल्स के बेसिस के ऊपर उस टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस पिक्चर का मेन सेंटर में एक विमेन फिगर दिखाई गई है, विमेन फिगर जो है, दैट इज एंजल ऑफ प्रोग्रेस, सिंबल है उसका, एक विमेन फिगर है, लेकिन वो विमेन फिगर जो है वो क्या शो करती है, एंजल ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि प्रोग्रेस जो है, सफलता है, डेवलपमेंट है, उसको एक विमेन की फिगर में दिखाया गया, एंजल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। एंड होल्डिंग वन फ्लैग इन हर हैंड, उसके हाथ में फ्लैग है जो नई सेंचुरी का है, यानी कि आप ये सोचो कि 1900 से 1901, यानी कि उसके हाथ में जो फ्लैग है, ये फ्लैग शो करता है आने वाला टाइम, ठीक है। इन हर हैंड फ्लैग शोइंग कमिंग फ्यूचर भी कह सकते हो, कमिंग सेंचुरी भी कह सकते हो, ठीक है, बेयरिंग फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी। एंड दिस लेडी और विमेन इज स्टैंडिंग ऑन अ व्हील, इसको कैसे दिखाया गया है, स्टैंडिंग ऑन अ व्हील, और उस व्हील के विंग्स हैं, तो ये क्या शो करता है, टाइम फ्लाइज, कि टाइम कैसे उड़ता है, समय कैसे निकलता है एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी। यानी कि 1900 में इस बुक के आने का मतलब है कि अब टाइम जो है वो अगली सेंचुरी में जा रहा है, 1900 to 1901। द लेडी विमेन फिगर शोइंग फ्लैग इन हर हैंड, यस बेटा, एंड स्टैंडिंग ऑन अ व्हील विद विंग्स, किसके विंग्स हैं, लेडी के विंग नहीं है, किसके विंग है, व्हील्स, व्हील्स की एक विंग फॉर्म में दिखाया गया। इवन जो लेडी है, दैट इज एंजल, एंजल का मतलब होता है कि जैसे काइंड गॉडेस काइंड ऑफ फिगर जो उसकी, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर हमने ये बताना है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज गोइंग टू फ्यूचर, मतलब ये दिखाया है कि व्हील के ऊपर वो जा रही है नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ, नेक्स्ट ईयर मीन्स 1900 to 1901, क्लियर। वट दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, इस पिक्चर को डिपिक्ट करने का आइडिया क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स, यानी कि इसमें मशीन्स की इंपॉर्टेंस दिखाई गई, क्योंकि उस विमेन फिगर के पीछे बहुत सी मशीन्स हैं। दिस पिक्चर डिपिक्ट्स द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स, कौन कौन सी हैं, अब हमने उनके नाम बताने हैं, यानी कि उस टाइम के लोगों को किस चीज की नॉलेज थी, कौन कौन सी मशीन्स की नॉलेज थी। नंबर वन, देवर अवेयर अबाउट रेलवे, नंबर वन रेलवे, पीछे रेलवे जो है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। नंबर टू कैमरा, यानी कि इस टाइम पीरियड तक कैमरा, ठीक है, कैमरा जो है उसकी भी इन्वेंशन हो चुकी थी। देन थर्ड मशीन्स, मैकेनाइज का मतलब होता है चीजों को मशीन्स के द्वारा बनाना शुरू हो गए थे लोग। देन फोर्थ प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग आपने याद है गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग, 1400 जो है तब से ही प्रिंटिंग प्रेस जो उन्होंने बना ली थी, तो इस टाइम तक लोगों को प्रिंटिंग प्रेस की नॉलेज थी। देन है फैक्ट्री सिस्टम, फैक्ट्रीज, एक फैक्ट्री में कैसे काम होता है, तो वो सारा जो है वो इसमें बताया गया था, फैक्ट्रीज, क्लियर। तो इस पिक्चर की इलेबोरेशन में आपको ये चीजें याद रखनी है। नंबर वन, इन 1900, नेम ऑफ द पब्लिशर, ईटी पॉल, ठीक है, म्यूजिक बुक थी ये, इस बुक का कवर जो है, कवर डॉन ऑफ द सेंचुरी, हेडिंग दिया गया है, एक वुमेन लाइक फिगर है जो, दैट इज स्टैंडिंग ऑन अ व्हील एंड विद अ काइंड ऑफ अ फ्लैग इन हर हैंड,
दिस फ्लैग इज शोइंग नेक्स्ट सेंचुरी, कि वो अब नेक्स्ट फ्यूचर में जा रही है, नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रही है, फ्रॉम वन सेंचुरी टू अनदर हियर एंड स्टैंडिंग ऑन अ व्हील, व्हील के ऊपर खड़ी है और पीछे रेलवे, कैमरा, फैक्ट्रीज, ऑल थिंग्स हैव बीन डिपिक्टेड, जो ये शो करती है कि उस टाइम के लोगों को इस चीज की नॉलेज थी. एंड मेन डिपिक्शन जो है इस पेंटिंग की, मेन डिपिक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन्स एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. क्लियर, ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया. अब आ जाओ नेक्स्ट पिक्चर. जैसे आप पेज टर्न करते हो, नेक्स्ट पिक्चर है, इस पिक्चर का जो हेडिंग है दैट इज टू मैजिशियंस. टू मैजिशियंस, ठीक है. अब इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, और ये पिक्चर जो थी वो कौन से ईयर में जो है वो पेंट की गई थी, 1901, 26 जनवरी 1901 को ये पिक्चर जो है वो पब्लिश हुई. और इस पिक्चर का हेडिंग क्या है, टू मैजिशियंस, ठीक है. अब टू मैजिशियंस नहीं, दो जादूगर, इसका मतलब क्या है, दिस पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट जो है वो दिखाया गया है अलादीन, और अलादीन किसको रिप्रेजेंट करता है, ईस्टर्न कंट्रीज को. और जो लोअर पार्ट है दैट इज डिपिक्टेड बाय मॉडर्न इंजीनियर्स, वो किसको डिपिक्ट करता है, वेस्टर्न कंट्रीज. इसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड में जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग रहते थे, उनका ये मानना था कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कंट्रीज लाइक एशिया, इंडिया एंड मैनी ईस्टर्न कंट्रीज, दे आर लिविंग इन पास्ट, और वो मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं. वो ये बिलीव करते हैं कि उनकी कंट्री में डेवलपमेंट कैसे होगी, अलादीन होगा, वो मैजिक लैम्प जो है उसको रब करेगा और सरप्राइज का मतलब है पैलेसेस एंड बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे. दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में इंजीनियर को दिखाया गया, और वो दिखाया गया है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का मैजिशियन है, ये अपने हार्डवर्क से मशीन्स, या हार्डवर्क से बिल्डिंग्स, या हार्डवर्क से रोड्स, या टॉल टावर्स, या स्काई स्क्रैपर्स जो है वो बना सकते हैं. तो दैट वॉज अ मेन थीम. इसका मतलब इस पिक्चर को देखने से हमें क्या पता लगता है कि उनकी थिंकिंग ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में क्या था, वो हमें कितना बैकवर्ड और हमें कितना ओरिएंटेड, ओरिएंट का मतलब होता है जो पिछड़ी हुई कंट्रीज होती है, वो मानते थे. तो इस पिक्चर में हमने अब इसकी इलेबोरेशन बतानी है. नंबर वन, 26 जनवरी 1901, द हेडिंग ऑफ दिस, जो उसका टॉपिक है, जो इस पिक्चर का मेन जो हेडिंग है, दैट इज टू मैजिशियंस. टॉप में इसको दिखाया गया है अलादीन विद हिज मैजिक लैम्प, और एट दैट टाइम पीपल दे बिलीव दैट एशियन कंट्रीज आर ओरिएंट कंट्रीज. ओरिएंट का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड या ट्रेडिशनल. कि जो एशियन कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, दीज आर ओरिएंट और ट्रेडिशनल, ये पुरानी है, इनकी जो थिंकिंग है बहुत पुरानी है, ठीक है. एंड इनका क्या, ये क्या मानते हैं, दैट दे बिलीव इन मिरेकल, वो सिर्फ चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि आंखें बंद करो और आपके सामने बिल्डिंग्स आ जाएंगी, अलादीन जो है वो आपकी विश पूरी करेगा. ये सोचते हैं कि पुराने टाइम के लोग ऐसे हैं. एंड लोअर पार्ट जो दिखाया गया है दैट इज, उसमें क्या है, एक इंजीनियर की पिक्चर है, और उस इंजीनियर को किस चीज की नॉलेज है, वो क्या सोच रहा है, उसके अलग अलग जो है ब्लॉक्स दिखाए गए हैं जिसमें वो क्या सोच रहा है, क्या बनाता है, जो सोचता है वो बनाता है, ठीक है. क्या क्या दिखाया गया है उसने, मॉडर्न मैकेनिक, इंजीनियर भी कह सकते हो, वो मॉडर्न मैकेनिक भी कह सकते हो कि मॉडर्न मैकेनिक है वो. देन विद टूल्स, उसके हैंड में उसने क्या पकड़े हुए हैं, अपने टूल्स जिनकी हेल्प से वो बिल्डिंग्स बनाता है. देन ब्रिजेस, किस किस की नॉलेज है इन मैकेनिक्स को, ब्रिजेस, शिप मेकिंग, वो शिप बना सकते हैं. हाई टावर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स जिनको कहते हैं. एंड दे बिलीव इन वेस्टर्न कल्चर एंड मॉडर्निटी. मॉडर्न मतलब इनकी थिंकिंग क्या है, ये वेस्टर्न है और ये मॉडर्न, मॉडर्निटी यानी कि ये मॉडर्न टाइम पीरियड शो करते हैं. क्लियर. तो इन पिक्चर्स को देखने से ही बच्चे आपको पता लग जाएगा कि पुराने टाइम पीरियड में, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है 1901 का टाइम पीरियड है, इसमें वेस्टर्न लोग इंडियंस के बारे में या एशियंस के बारे में क्या थिंकिंग रखते थे. और इससे ही हमें ये पता लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना जो है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यूरोपियन कंट्रीज में.
और धीरे 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 ये अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई लाइक इंडिया। तो पहले हमने क्या पढ़ना है, यूरोप, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया। ठीक है, आप इसके बाद जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हो या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कह सकते हो। जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप की बात कर रहे हैं हम, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों रेवोल्यूशन कहते हैं, बिकॉज सडन इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, सेटिंग अप ऑफ सो मेनी इंडस्ट्रीज चेंज द लैंडस्केप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि 50 ईयर्स और 100 ईयर्स में इंग्लैंड का लैंडस्केप, यूरोपियन कंट्रीज का लैंडस्केप इतना ज्यादा चेंज हो गया कि लोग बिलीव नहीं कर पाते थे कि ये वही कंट्री है जिसमें वो 30 ईयर्स या 40 ईयर्स पहले रहते। तो दैट्स व्हाई इट इज काइंड, हम ये कह सकते हैं दैट इज काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर। अब जब भी हम किसी भी कंट्री के रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया टाइम पीरियड 19th सेंचुरी। अब हमने 19th सेंचुरी से पहले का टाइम पीरियड पढ़ना है, यानी कि हमने थोड़ा सा पास्ट के बारे में जानना है कि 19th सेंचुरी से पहले यूरोप में क्या ट्रेंड था। और हम सभी कॉन्टिनेंट्स को तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, हम यूरोप की एक कंट्री इसमें लेते हैं दैट इज इंग्लैंड। 19th सेंचुरी से पहले की बात करें तो हमने दो सेंचुरीज मेन ली हैं, 17th एंड 18th सेंचुरी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, 17th और 18th सेंचुरी का मतलब है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हमने इंग्लैंड को, यानी कि यूरोप में से हमने एक कंट्री इंग्लैंड के बारे में पढ़ना है कि इंग्लैंड में उस टाइम पीरियड में क्या सिस्टम था। एग्रीकल्चर में दो तरह की लैंड होती थी, ओपन लैंड एंड कॉमन लैंड। ओपन लैंड का मतलब क्या होता है, जिसमें लोग एग्रीकल्चर करते थे इंग्लैंड के लोग, एंड कॉमन लैंड, कॉमन लैंड में एग्रीकल्चर नहीं होती थी। कॉमन लैंड जो है वो फ्यूल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेजिंग, एनिमल ग्रेजिंग के लिए लैंड यूज होती थी। ओपन लैंड फ्यूल मीन्स फ्रॉम ट्रीज, है ना, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जब एलपीजी नहीं होता था तो खाना बनाने के लिए द पीपल दे यूज टू कलेक्ट फ्यूल वुड फ्रॉम दीज एरियाज, कॉमन लैंड जिसे कहते हैं ना। इट मीन्स दिस लैंड वॉज फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, एंड दिस कॉमन लैंड टू एक्वायर फ्यूल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो लोगों के लिए कॉमन लैंड एक तरह से सोर्स ऑफ टेकिंग एसेंशियल आइटम्स, एग्रीकल्चर वो यहाँ से करते थे, बाकी जो भी उनको चाहिए था। ठीक है, एनिमल ग्रेजिंग, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोगों के पास एनिमल्स थे ग्रेजिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल शीप या गॉट, तो उनके लिए ग्रेजिंग लैंड उनको यहाँ से मिलते। लेकिन बच्चे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती शुरू हुई 17th-18th सेंचुरी में, धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ओपन लैंड जो है, अपनी अपनी जो लैंड है उसकी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दी। बाउंड्रीज बनाना मतलब धीरे धीरे लैंड को एक्वायर करना। ठीक है, यानी कि अब ये जो लैंड थी, पहले ये गवर्नमेंट की लैंड थी, अब धीरे धीरे लोगों ने इस लैंड को खरीदना शुरू कर दिया और अपने पर्सनल फार्म्स बना लिए। ठीक है, ताकि उस टाइम पीरियड में वो लोग क्या करें, सिर्फ अपनी अपनी लैंड या अपने अपने एरियाज में ही एग्रीकल्चर कर सके। और जब ओपन लैंड धीरे धीरे खत्म हो गई, उन्होंने कॉमन लैंड को एक्वायर करना शुरू कर दिया। कॉमन लैंड मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे रोड्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल एरियाज हैं वो सारे कॉमन लैंड। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रिच पीपल, दे स्टार्टेड बाइंग कॉमन लैंड आल्सो। उन्होंने कॉमन लैंड को भी एनक्लोज करना शुरू कर दिया। एनक्लोज का मतलब होता है कॉमन लैंड जो है उसको भी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया, एनक्लोज करना शुरू कर दिया। अब जब रिच लोगों ने, यानी कि रिच पीजेंट्स ने कॉमन लैंड को खरीदना शुरू कर दिया, तो ऐसे में जो लोग यहाँ से फ्यूल लेते थे, वेजिटेबल्स लेते थे, फ्रूट्स लेते थे, उनके लिए लैंड खत्म हो गई। और इसका लॉस जो है वो किसको हुआ, पीजेंट्स एंड फार्मर्स, उनकी एम्प्लॉयमेंट या उनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 17 और 18 सेंचुरी में फायदा किनको हुआ, रिच पीजेंट्स, ठीक है, या जो रिच मर्चेंट्स थे जिन्होंने लैंड लेना शुरू कर दिया। एंड अल्टीमेटली हर इकोनॉमी में सफरर कौन होते हैं, पुअर पीपल, लैंडलेस पीपल, जिनके पास लैंड नहीं थी, अब वो क्या करते। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 17 और 18 सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड है, मैनी पीपल दे शिफ्टेड टू फ्रॉम विलेज एरियाज टू सिटीज फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में कुछ लोग अपने विलेज को छोड़कर सिटीज में नहीं जाना चाहते. दे वॉन्टेड दैट एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी शुड बी गिवन इन द विलेज ओनली. ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम पीरियड हमने पढ़ना है कि वो लोग क्या काम करते हैं, ठीक है. एंड दिस टाइम पीरियड इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैंने बच्चे इंडस्ट्रियलाइजेशन में ना एक वर्ड ऐड किया है, प्रोटो. प्रोटो का मतलब क्या होता है? अर्ली फेज और प्रायर, पहले, यानी कि 19th सेंचुरी के पहले का टाइम जिसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इसका टाइम पीरियड क्या है? हमने ये टाइम पीरियड जो है वो मेनली क्या देना है? 17th और 18th सेंचुरी. ठीक है, अभी तक आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू मीनिंग ऑफ प्रोटो? यस अशीन, कीप योर माइक ऑन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. यस मैम. यस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द टाइम पीरियड इज 17th to 18th सेंचुरी. इसमें हमने कौन सी सेंचुरी कवर करनी है? 17th to 18th सेंचुरी. एंड साइड बाय साइड हम डिफरेंस भी करेंगे बच्चे कि डिफरेंस क्या था. ये हाँ जी डाउट बेटा जान.